हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है नॉलेज इन हिंदी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप Spotify एप्लीकेशन पर अपने खुद की प्लेलिस्ट कैसे बना सकते हो, जहाँ पे आप उसमें अपने मनपसंद गाने ऐड कर सकें और उसे सुन सकें। तो कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को चालू करना है और आपके पास ये वाला ऑप्शन आता होगा। फिर आपको नीचे की तरफ यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, लाइब्रेरी। तो आपको लाइब्रेरी पे एक बार टच करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्लेलिस्ट, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्रिएट प्लेलिस्ट, क्रिएट प्लेलिस्ट। आपको इस पर टच करना है। यहाँ पे कह रहा है गिव योर प्लेलिस्ट नेम, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं प्लेलिस्ट का नाम डाल देते हैं हम सॉन्ग्स। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्रिएट, आपको इस पर टच करना है। इस पर टच करने के बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट बन गई है, पर यहाँ पे अब आपको गाने ऐड करने होंगे। तो ऐड सॉन्ग आपको दिखाई देगा, इस पर आप टच करिए। यहाँ पे कुछ सजेस्टेड गाने हमको दे दी जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ये इंग्लिश गाने हैं, पर यहाँ पे हिंदी गाने हैं। जैसे कि ये वाला गाना है तू मेरी, और ये वाला गाना मैं इस पर कर देता हूँ, ये कबीरा गाना, और ये बेबी डॉल, और ये सुबह होने ना दे वाला गाना। और ऊपर सर्च ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप कोई अपना फेवरेट गाना भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे गाना है वास्ते, मैं इसे प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। इसके बाद मैं इसे बैक करता हूँ और फिर से बैक करता हूँ, और मेरे जो गाने हैं इसमें ऐड हो चुके हैं। और फिर बैक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे गाने ऐड हो गए हैं। तो ऐसे आप इसे कर सकते हैं इसमें ऐड, और ऐसे आप अपने प्लेलिस्ट सुन सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो कर दीजिए लाइक, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।